बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां उत्पाद विभाग के डिपो में कल देर शाम शराब विनष्टीकरण के दौरान जोरदार धमाका हुआ है। उत्तर बारी पोखरा स्थित विभाग के डिपो में देर शाम जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद शराब में आग लग गया, जिसमें 3 पुलिस के जवान सहित 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। गंभीर रूप से घायल सभी को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कालीबाग ओपी क्षेत्र की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जब्त शराब को उत्पाद विभाग द्वारा नष्ट किया जा रहा था, इसी दौरान एक ड्राम में रखे गए शराब में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं विस्फोट में वहां मौजूद 3 पुलिस के जवान व एक मजदूर झुलस गया। आग लगने के बाद किसी तरह आग को बुझाया गया, वहीं घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि घायल जवान में 2 लौरिया थाना का सिपाही भी शामिल है, जो जब्त शराब लेकर विनष्ट करवाने के लिए उत्पाद विभाग के डिपो पर पहुंचा था। बहरहाल स्थानीय पुलिस व उत्पाद विभाग की टीम घायलों का इलाज करवाने में जुट गई है। विस्फोट में घायल पुलिस जवानों का हाल जानने के लिए एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल पुलिस जवानों से घटना की पूरी जानकारी ली। वहीं एसपी के साथ उत्पाद अधीक्षक लाल अजय कुमार सुमन व एसडीपीओ सदर मुकुल परिमल पांडे भी मौजूद थे। अरे स्प्रिट गिरा रहे थे हम लोग, स्प्रिटो से दरुए को नष्ट कर रहे थे। हाँ, अब बाल्टी में रोक कर बीगे थे, उसी में बस पकड़ लिया। संवाददाता सोम प्रसाद, वी सरस न्यूज, बेतिया।